हेलो, मेरे को तेरा आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, मैं काम करते हो, छत के ऊपर जाते हो, छत के ऊपर रेंज आता है, मेरा रेंज नहीं आ रहा इधर। हेलो, वन सेकेंड, मैं छत के ऊपर जा रहे, होल्ड करो ना 5 मिनट, मैं अभी जा रहे, रुको। मैं ऊपर जाने के बाद मिस कॉल नहीं करती, फोन चालू ही रखती हूँ। हाँ यस यस, देखो अभी बस थोड़ा सा एक वीडियो बाकी। क्या ऊपर क्यों जा रही है और किसके साथ बात कर रही है? ये कहाँ पे जा रही है? कहीं उसके, ओह नो, अगर इसकी सच्चाई पता चल गई तो बवाल हो जाएगा। देखो मेरे को छत दिख रहा है, मैं आ गई छत पे, अभी आ रही आवाज, अभी और अच्छे से आएगा, रुको। हेलो, अभी आ रहे ना आवाज? या हियर इज ऑल गुड, पर मेरे को बहुत याद आती है तुम्हारी। क्या कर रहा है? काम ही कुछ ऐसे मिले। कैरोलिना, वन सेकेंड, मधु आया है। क्या हुआ मधु? मेरा बॉयफ्रेंड है, मधु है। वैसे बाद में खाना खाए, सॉरी, क्या कर सकती हूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। अभी के लिए तो मैं किसी और की पत्नी हूँ। यस यस, जल्दी मैं यह खत्म करके आ रही हूँ। हाँ या नो, मैं आगे से ऐसा काम बिल्कुल नहीं लूंगी। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, मैं रखती हूँ अभी, किसी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ बाय, लव यू। मैंने तुमको मना किया था, तुम भूल गई, तुम उससे बात नहीं कर सकती हो यहाँ पे। अगर किसी ने देख लिया सुन लिया तो तुमको पता है हम कितनी बुरी तरीके से फंस जाएंगे। यस मधु, बट हमारी बात सिर्फ एक हफ्ते की हुई थी, अब एक हफ्ते से ऊपर हो गया है। वो मुझे कॉल करेगा ही, पूछेगा ही, उसको मेरी चिंता है। मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, तुम्हारे साथ तो बस मैंने शादी का नाटक किया पैसों के लिए, ये तुमको भी पता है मुझे भी पता है, हमारे बीच कुछ नहीं है। He is love of my life. मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, पर पैसों की कमी की वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है, समझ रहे हो तुम? और अभी एक हफ्ते से ऊपर हो गया है और मैं ये और नहीं करना चाहती हूँ, honestly, मुझे पक गई हूँ मैं यहाँ पे। देखो कैरोलिना, मुझे पता है एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, पर हमें ये नाटक कुछ और दिनों तक तो करना पड़ेगा। मैं तुमको और पैसा दूंगा, बहुत पैसा दूंगा। एक्सक्यूज मी, मनी कैन बाय एवरीथिंग मधु, तुम मेरे को कितना भी पैसा दो, मैं नहीं यहाँ पे रुकने वाली हूँ। मुझे जितना मिलना था उतना मिल गया एंड आई एम हैप्पी विद इट, और मेरे को यह नाटक नहीं करना है। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है ऐसा झूठ बोलते हुए, मैंने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया है, बस पैसों के लिए करना पड़ा मुझे, पर अभी और नहीं मधु, आई एम डन विद दिस, और मैं अभी यह रोकने वाली हूँ। कैरोलिना प्लीज। नो मधु, तुमको पता है तुम्हारी माँ कितना ज्यादा प्यार कर रही है मुझसे, और अगर उनको पता चल गया कि मैं यहाँ की हूँ रशिया की नहीं, तो वो पता है मेरा क्या हाल करेगी। एक तो कितनी डेंजरस है, कहीं आड़ा टेढ़ा करके मुझे मार ना दे, मेरी जान ना ले ले। मैं देखो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती मेरे लाइफ के साथ, मुझे मेरी लाइफ एंजॉय करनी है मधु, और आई एम डन विद दिस, मैं अगले एक दो दिनों में यहाँ से भाग जाऊंगी, मेरा टिकट खा दो बस तुम। रुको जरा, दोनों यहीं पे रुको 5 मिनट बस। शर्मिला, शशि बहन, जोया जी, शर्वरी जी, क्या बात है जोया, सुमित्रा जी से बाहर क्यों बुला रही है? पता नहीं क्या हुआ है, उनको तो आदत ही है छोटी छोटी बात पे सबको बाहर बुला लेती है और तमाशा खड़ा कर देती है, उसमें तो उनको मजा आता है। बराबर कहा, उनको तो आदत ही है हमेशा लोगों के मजे लेने की, कुछ हो गया होगा फिर से। आप क्या काम पे नहीं जाती क्या? घर पे दिखती हूँ हमेशा। शर्मिला बहन, क्या हुआ है सुमित्रा बहन से बाहर क्यों बुला रही है? पता नहीं क्या हुआ, क्यों बुला रही है? ढोलक या जी, कहीं इन्होंने हमारी बात सुन तो नहीं ली? मुझे ऐसा लगता है शायद इन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली है, अभी ये बहुत बड़ा तमाशा करेगी और हमारी फोल खोल कर देगी, मेरे किए कराए पे पौने फेर देगी। क्या हुआ गा, सबको बाहर क्यों बुला रही है तू?
तेरे को काम नहीं, इसका ये मतलब नहीं बाकी होंगे काम नहीं होंगे, सारा काम छोड़ के आना पड़ रहा है बाहर। बोल जल्दी क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या है? अभी जो हुआ और मैंने जो सुना है ना, इतना बवाल कर देगा पूरी सोसाइटी में ढोलकिया जी, स्पेशली आपके घर में सबसे ज्यादा। क्या हुआ मधु, ऐसे आके क्यों फट गई तेरे? आरू क्या हुआ, एकदम शक्ल दारू दारू क्यों हो गया तेरा? बता दो ए, क्यों बुलाया बार, इतना समय नहीं मेरे पास। अरे बताऊंगी बताऊंगी, सबर कीजिए जरा, सब कुछ बताऊंगी, डिटेल में सविस्तर बताऊंगी। देखो क्या है, वो कहते हैं ना, खुद के घर अगर कांच के हो तो वो दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है जब हम भी ईंट लेके आते हैं, और आज वो दिन है। ढोलकिया जी बड़ी बोल रही थी उस दिन इंटरव्यू में, मेरी मधु का कैरोलिना का रिश्ता एकदम पक्का है, दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, फलाना ढिमकाना जो भी हो इनका। हाँ तो मैं सच ही बोल रही थी उसमें, गलत क्या बोला मैंने, जो भी बोला एकदम सच था। मुझे तो लगता है आप अभी भी मेरी बहू और बेटे से जल रहे हो, खास करके मेरे बहू से, ये रशिया से है वो, इसलिए बहुत ज्यादा जल रहे हो आप। जलो जलो, जल के राख हो जाओ। अभी भी आपको ये सच लग रहा है? एक तो आप भी इस प्लान में शामिल हो, या फिर इन दोनों ने आपको कुछ बताया ही नहीं है। किस प्लान की बात कर रही है तू? ये सुमित्रा, जो भी बात है ना साफ सीधे बोल, ऐसा आड़ा जड़ा करके मत कर, तुझको आड़ा जड़ा कर दूंगी मैं। हाँ साफ साफ ही बोलती हूँ, जरा रुकी है, थोड़ा फील तो आने दीजिए आप। मधु कैरोलिना, अभी जो सच बात है वो मैं अपनी जबान से बताऊँ या आप दोनों जबान खोल के कुछ बताएंगे? मत खोलो मत खोलो, मैं ही खोल देती हूँ, मुझे वैसे भी खोलने की बहुत आदत है, सबकी पोल खोल। हाँ, आपको इनके रिश्ते के ऊपर बड़ा विश्वास था, बहुत बड़ा विश्वासघात हो गया पर आपका। मतलब कैरोलिना मधु की पत्नी नहीं, बल्कि मधु ने कैरोलिना को सोसाइटी में पैसे देके लाया है। बाबू क्यों पारू, बराबर बोल रही हूँ ना मैं, और रही बात, ये कोई रशिया की नहीं, इंडिया में रहती है, इसीलिए इतनी अच्छी हिंदी बोलनी आती है, तभी मैं सोचूं इसका एक्सेंट पे इतना प्रॉब्लम क्यों है। अच्छा तभी मैं बोलूं, ये बार बार इतना रर क्यों करती रहती है? दिमाग तो ठिकाने पे है तेरा, क्या बोल रही है तू? अरे मेरे मधु ने शादी की उसके साथ, और तू कुछ भी उसके ऊपर आरोप लगा रही है, मैं ये मान नहीं सकती। उनको कुकिंग कॉम्पिटिशन में हरा दिया, उनके ऊपर जैसे हाथ धो के पीछे पड़े हैं सारी सोसाइटी वाले, मैं ये नहीं मान सकती। जो जो भी बोल रही है ना, बहुत गलत बोल रही है तो। अरे मेरा दिमाग एकदम ठिकाने पे है, मैंने छत में सुना है सब बातें, मधु बोलना रहे, अब क्यों नहीं बोलता? या यहाँ झूठ बोलेगा, मैं झूठ बोल रही हूँ? और तू कारू शर्म नहीं आती है, इसका खुद का बॉयफ्रेंड है, उसके साथ बात कर रही थी छत पे। ए मधु क्या बोल रही है बोल, जवाब दे क्या है उनको, जो भी बोल रही है गलत बोल रही है झूठ बोल रही है, बोल ना बोल, चुप क्यों है? बोलो बोलो, कुछ खोलोगे या मैं सब कुछ खोल दूं? मधु क्या रू, नीचे आओ। हाँ माँ मैं आ रहा हूँ नीचे। तुम्हारी माँ हमको बुला रही है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। डरो मत, चलो अब। अब आएगा मजा। कैलिफोर्निया कैरोलिना होता है टेस्टी, ये उम्मीद नहीं थी भाई तुमसे, मधु तो है ही पहले से माँ वाली, पर तुम तो डबल माँ वाली निकली। ढोलकिया जी बहुत बुरा लग रहा है आपके साथ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी बैड। सच बोल रहे हो शर्मिला बहन, आजकल कोई भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, घोर कलयुग चल रहा है। क्या हुआ, इतना चुप क्यों बैठा है? अगर तेरी कोई गलती नहीं है, तू झूठ नहीं बोल रहा है, तो जोर से बोल, मैं झूठ नहीं बोल रहा है या गलत बोल रही है माँ? यही सीखा है मैंने तुझे, इतना बड़ा झूठ बोलना, क्यों बोला इतना बड़ा झूठ तूने मेरे साथ? और तू मेरे को नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, आपके बेटे का ही सारा प्लान था। वाह वाह वाह, तूने उसका साथ नहीं दिया क्या? यस मैंने उनको साथ दिया है, मेरी भी गलती है, पर इन्होंने सब प्लान किए थे। बात करती है शेमड़ी, निकाल वो। क्या निकालो? ये निकाल, ये गले में जो लटकाया है ये तो मंगलसूत्र है। क्या करेगी रख के? तू असल में प्यार करती है मेरे बेटे से, असल में उसकी पत्नी है? नहीं, निकाल फिर। हाँ निकाल रहे।
अरे शादी का सब खेल बनाते है और तू बेशरम, शर्म नहीं आई तुझे ऐसा करते हुए? अरे कम से कम एक बार मेरे बारे में तो सोचना, मैं कितना बड़े बड़े ख्वाब देख रही थी। मैंने तो मेरे सारी बहनों को पता दिया था अब मैं रशिया में शिफ्ट होने वाली हूँ और तू इधर की है। सोले, हमने ये नाटक किया था पति पत्नी का ताकि मैं शर्वरी को जला सकूं, क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट किया था। मैं बस उसको दिखाना चाहता था कि मैं कितना ज्यादा खुश हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। बात तेरा कुछ नहीं सुनने वाली मैं, अगर तेरे पापा को पता चले पता नहीं क्या करेंगे वो। माँ और तू श्यामड़ी, थोड़ी देर यहाँ पे रुकी ना तो तेरी ऐसी बैंड बजा दूंगी। निकल चल, पहले फुर्सत में निकल जा रहे। तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। कैरोलिना, अरे चुप है, चल अंदर। ये जो भी हुआ उसकी वजह है किया शर्वरी। सुमित्रा जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कहां से बीच में आ गए? आप उस दिन एक्सेप्ट कर लेती तो ये नौबत ही नहीं आती बेचारे को किसी और को लाने की। मैंने थोड़ी ना उनको कहा था ऐसा कुछ करने के लिए। आपने कुछ नहीं कहा पर एक्सेप्ट करने में क्या जाता है? सुमित्रा जी हद है, कुछ भी हो जाता है आप शर्वरी को टारगेट करते हो। आप ही नहीं बल्कि सोसाइटी के सारे लोग कुछ भी हो जाता है तो शर्वरी को टारगेट करते हैं। ये बहुत बुरी बात है। शर्वरी की इसमें क्या गलती है? तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, तू क्यों बीच में कूद रही है? एक बार झूठ की वकील क्या बन गई, खुद को वकील ही समझती है। आप क्या सोसाइटी की जेम्स बॉन्ड हो? हां हूं मैं, जेम्स बॉन्ड नहीं हूं, अरे जेम्स बॉन्ड के भी आगे की हूं मैं। बढ़िया ही बात करने वाली। जाइए जाइए, आप अपने घर जाइए। हां जा रही हूं, जा तू मुझे मत बता। बढ़िया है, घर में जाओ। अरे तुम दोनों घर में घुसे, वैसे भी हमेशा घर में ही पड़े होती हो।